Hello guys, welcome and welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are doing great and amazing. So here I am with another review video. So हमेशा की तरह मैंने फिर से सेम चीज़ परचेज किया. I have bought again Zoop bag. So just look at this. This is the bestest bag. मेरे पास जितनी Zoop की कलेक्शन है उसमें से मुझे ये सबसे बेस्ट लगा. साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से A1 बैग है ये उन सब में से. तो मुझे भी काउंटिंग करना पड़ेगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग्स हो चुके हैं Zoop के. सो मैंने अपनी कलेक्शन में एक ये वाला भी बैग ऑर्डर किया है. ये बेसिकली है हमारा क्लासिक कम्यूट टोट बैग. सो जो ये प्रिंट है ना, इस प्रिंट का नाम है ताज गुलदस्ता. सो ये आपको बैग पे लिखा हुआ मिलता है. ऐसी सारी चीज़ें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बात कर लेते हैं बैग की. सो लुक एट दिस. दिस इज़ अ क्लासिक कम्यूट टोट बैग है. साइज एकदम परफेक्ट है. यहाँ पर आपको ये जो क्या बोलते हैं पता नहीं, ये स्टैंड जैसे लगे होते हैं जिससे आपका ये एकदम से अपना, जैसे आप ऐसे रखोगे तो वो टिका रहेगा, लुढ़केगा नहीं बेसिकली आपका बैग. सो इसकी मुझे बेस्ट चीज़ लगी. उसके साथ साथ द अनदर बेस्ट थिंग कि इसमें दो कंपार्टमेंट है. एक यहाँ पे मिल जाएगा जिप आपको, दूसरा जिप आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो बड़े बड़े दो स्पेशियस कंपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे. और ये अखबारा फरद्दी में भी दे सकते हो. और अगर आपको यूज़ नहीं करना है ना तो आप बेसिकली न्यूज़पेपर को फिल करके ही इसमें रखिए ताकि इसकी जो शेप है वो मेंटेन करके रखिए. अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी इज़ A1 क्वालिटी. इसमें जो आपको दिखेगा ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जूट का जो काम है वो परफेक्ट है. प्रिंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसमें. एंड देन जिप की क्वालिटी एकदम परफेक्ट है आपकी, बहुत स्मूथली ग्लाइड हो रही है. हैंडल्स भी आपके बहुत ज़्यादा स्टर्डी, आपके जो लेदर के हैंडल्स हैं वो लगे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें जो यहाँ पे फिनिशिंग दिख रही है ना आपको, ये लेदर की फिनिशिंग कर रखी है जो कि आपका बहुत अच्छा इस बैग को एक लुक दे रहा है. ऑल ओवर ये बैग A1 क्वालिटी का बैग है. अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसको डेली बेसिस पे देन इट इज़ अ परफेक्ट बैग. अगर आप यूज़ करना चाहते हो ऑफिस के लिए देन इट इज़ अ परफेक्ट बैग. अगर कॉलेज गोइंग भी हो ना तो भी आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. इन दो एरियाज़ में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो. उसके साथ साथ ये जो बीच की जो पार्टिशनिंग है ना, यूजुअली आप बैग देखते हो उसमें जो पार्टिशनिंग होती है ना वो नॉर्मल पार्टिशनिंग होती है, सिर्फ कपड़ा लगा होता है. बट इसके अंदर जो पार्टिशनिंग दे रखी है उसके अंदर इन्होंने कुछ फ्लफी सा मटेरियल डाल रखा है जो कि स्टर्डी है, बहुत हार्ड मटेरियल है, जिससे ये आपकी चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करेगा. इस कंपार्टमेंट में की चीज़ें यहीं पर रहेगी और इस कंपार्टमेंट की चीज़ें यहीं पर रहेगी. उसके साथ साथ आपको एक कंपार्टमेंट में ऐसी छोटी छोटी सी दो पॉकेट्स भी मिल जाएगी. और यहाँ पर मिलेगा आपको एक जिप वाला एरिया जिसमें आप अपना कुछ भी रख सकते हो, जो बेसिकली आपको चिल्लर हो गए, छोटी छोटी चीज़ होती है जो बैग में बिखर जाती है, वो आप रख सकते हो. एंड उसके साथ साथ आपको मिल जाएगी बैक साइड में भी एक जिप जिसमें आप अपनी चिल्लर रख सकते हो. और जब आपको बस का किराया लगाना हो तो फटाफट यहाँ से निकाली एंड देन नो झंझट में आप आराम से अपनी चिल्लर को दे सकते हो. सो एक बार क्विकली व्यू कर लेते हैं बैग को. About my recommendation, I will highly recommend this brand because this is a cruelty free 100% vegan and proudly Indian brand. तो अगर आप मेरे कूपन कोड से परचेज करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे कूपन कोड दिख जाएगा. एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड अभी चल रही है buy 1 get 1 की सेल इनकी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो. एक के दाम में दो बैग खरीद सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑफर है. So yeah, that's all for this review. आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.